नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल की नीलामी के दौरान मुंबई ने खरीद लिया है। अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के दौरान 30 लाख की रकम में खरीदा गया है। अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस साल वह मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आने वाले हैं। बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। पिछले साल भी फरवरी साल 2021 में हुए आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था। एक सीजन के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज भी कर दिया था। अब फिर से मुंबई ने उनको आईपीएल 2022 के लिए खरीद लिया है। अर्जुन तेंदुलकर लगातार अपने पिता की वजह से सुर्खियों में भी काफी रहे हैं, लेकिन वह अपने खेल के चलते अभी तक नाम या कोई मुकाम हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं, जो कि पिता ने अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती पलों में कर लिया। हालांकि सचिन के बेटे अर्जुन के ऊपर शुरुआत से ही हर किसी की नजर रही है और हर कोई चाहता है कि वह भी अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट के मैदान पर अपना एक शानदार मुकाम हासिल कर नाम रोशन करे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।